नमस्ते और ओम शांति। आप सब श्रोताओं का आपको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पर। और जो लोग इसको इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं उनके लिए यूट्यूब का लिंक दिया गया है नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पर जाकर के क्लिक करके पुराने जितने भी वरदान हैं उनको भी चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ में डिप्रेशन के बारे में भी आपको नहीं है तो औरों के लिए शेयर कर सकते हैं उन सारे वीडियोज़ को। और आप साथ ही साथ योगासन वो तो सबको चाहिए, चेयर पर एक्सरसाइज बैठ के कैसे करनी है, वर्क फ्रॉम होम के वो भी है उसमें दिया गया है, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, सोने की कला, खान पान सब कुछ दिया है इस चैनल के अंदर ही, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो आज के ईश्वरी वरदान में 224वें दिन के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें एक नई कला सिखा रहे हैं बीमारी के समय हम कैसे रहें, क्या सोचें। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं सेकंड में देह रूपी चोले, ये चोला है, ये कपड़ा है। परमात्मा कहते हैं आत्मा ने ये कपड़ा पहना हुआ है, आत्मा ये कपड़ा लेके नहीं आई थी, ये धरती से पांच तत्वों का कपड़ा मिला है, इसको छोड़ के जाना है। लेकिन हमारा इसके साथ में इतना मोह हो जाता है, इसके साथ में इतनी अटैचमेंट हो जाती है, तो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें खींचती हैं, आत्मा को शरीर छोड़ना मुश्किल होता है। राइट, हम यही चीज़ें सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें कि शरीर कैसे छोड़ा जाए, इसको हम कहते हैं डेथ। कि जब शरीर छोड़ रहे हो तो ये शरीर ना खींचे, आसानी से आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाए, जैसे कहते हैं बाल जो होता है बटर से आराम से निकल जाए बाहर। कभी देखा होगा आपने बाल फंसा होता बटर में, लेकिन उसको जब तक आप पिघलाएंगे नहीं तब तक वो निकलेगा नहीं। तो हमें भी पिघलाना है, क्या पिघलाना है, ये शरीर के थॉट्स को, संकल्पों को, जिसको हमने इतना पकड़ करके उनको पिघला देना है हमें। क्या थॉट्स हैं वो भी चेक करेंगे। तो सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भवा। कर्म भोग क्या है, बीमारियां। देखें विस्तार में, जब कर्म भोग का जोर होता है, कोई बीमारी आती है, कोई चीज, कोई अंग शरीर का खींचता है, कहीं दर्द होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, थॉट्स जाते हैं, संकल्प जाते हैं, हाय यहाँ दर्द हो रहा है, हाय रात भर सो नहीं पाए, हाय ये हो गया, हाय पेट खराब हो गया, हाय वो हो गया, हाय बीमार हो गया, हाय बुखार हो गया। तो क्या होता है, बुद्धि परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती, याद नहीं कर पाती, चीजें खींच रही होती हैं। तो क्या करें, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले। अब उस समय ये तब हो पाएगा जब बहुत प्रैक्टिस होगी। तो परमात्मा कहते हैं कर्म भोग जो भोगना है, हमें भोगना हो रही, परमात्मा तो भोग से अपने बिल्कुल परे हैं, उनको कोई भोगना नहीं है क्योंकि उनको शरीर नहीं है। हम बच्चे आके धरती पर शरीर लेते हैं तभी हम उनको बोलते हैं मुक्तिदाता आओ, हमें मुक्त करो इस शरीर की प्रॉब्लम से। सत्युग में शरीर की प्रॉब्लम्स नहीं थी, त्रेता में शरीर की प्रॉब्लम्स नहीं थी, द्वापर में भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कलयुग में बीमारियां बढ़ती गईं क्योंकि हमने पाप इतने कर लिए, दुनिया के साथ में खिलवाड़ इतना कर लिए पांच तत्व के साथ में कि बीमारियां बढ़ती गईं, जिस कारण से क्या हो रहा है, हम आत्माएं फंसती जा रही हैं अपने ही शरीर के बंधन में। तो परमात्मा हमें कला सिखाते हैं शरीर से कैसे मुक्त होना है। तो अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग, कर्म करते हुए परमात्मा की याद में, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही दर्द, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले, कर्मेंद्रियों से भोगना हो रही है, दर्द फील हो रहा है आपको, लेकिन आप उस समय परमात्मा की याद में रह करके, प्रैक्टिस होने से ही होगा ये, परमात्मा की याद में रह करके आप वो भोगना को महसूस कर रहे हैं। आसान कहना है, करना आसान तभी हो पाएगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी ABCD वाली स्टेप्स में हूँ, अभी उधर तक पहुँचा ही नहीं हूँ। हमारी जो दादियाँ थी ब्रह्मा कुमारी की, वो तो ऑपरेशंस करवाती थी, राइट, वो बिना एनेस्थीसिया के पेट चीर रहे हैं, ऑर्गन्स ठीक कर रहे हैं, सारे ऑपरेशंस उनके बिना एनेस्थीसिया के हुए हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस। आप सोचिए उस लेवल पे पहुंच चुके थे वो कि अपने आप को दुनिया की बातों से डिटैच कर सकते थे एक सेकंड में। उनको सेवाएं करनी पड़ती थी, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, कितनी चिंता होनी चाहिए। आप एक घर में चार लोगों को संभालते तो आपको चिंता हो जाती है, वो तो हजारों हजारों लोगों को संभालने वाले ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग बोलते हैं अरे उनको तो क्या है, संन्यास लिया हुआ था, खान पान के लिए तो उनको फ्री में पैसे मिल जाते थे, कुछ भी नहीं करना पड़ता था, मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वो भी वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाना भी एक बहुत बड़ा कार्य है, उसके संकल्पों से डिटैच होकर के
ऑपरेशन कराना, आप सोचिएगा जरा इसके बारे में। तो परमात्मा कहते हैं, साक्षी हो कर्मेंद्रों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। अष्टरत्न, ये सारी चीजें बातें क्या हैं ये तो आप ब्रह्मा कुमारीज में आकर सीख पाएंगे, लेकिन अष्टरत्न को मैं आपको बता देता हूँ। रत्न मीन्स ज्वेल्स, कि वो ऐसी आत्मा है जिनके अंदर 8 आत्मा है, जिनके अंदर शक्ति है कि वो 1 सेकंड में अपने आप को डिटैच कर पाए। केवल 8 आत्माएं, फिर बाकी आत्माओं के अंदर थोड़ी शक्तियां कम होती जाती हैं, कि वो जब बीमार हो रही हों तो वो अपने आप को शरीर से अलग कर पाए, कम शक्ति वाली आत्माएं। तो अश्रतन सिर्फ 8 शक्तिशाली आत्माएं। इसके लिए अब करना क्या है, बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारे बनने का अभ्यास हो। अब देह रूपी चोले से हमारा अट्रैक्शन होता है, दुनियावी बातों में अट्रैक्शन, मेरा 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 मेरा, ये सारी चीजें में अट्रैक्शन, लोभ होना, खाने का लोभ होना, पहनने का लोभ होना, लगाने का लोभ होना, चीजों का लोभ होना, नाम मान शान कमाने का लोभ होना, मैंने बोला, मेरा आइडिया, मैंने दिया था सुझाव, मैंने ही ठीक किया, मैंने इसको ये कर दिया, मैंने ये सारी चीजें हैवी करती हैं, भारी करती हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि ये भारी करती हैं। यही चीज तो हम सीखते हैं, मुझे भी नहीं पता था ये सारी चीजें भारी करती होंगी हमें, ये तो नॉर्मल है, ये तो नेचर, हम बोलते थे ह्यूमन नेचर है कि मैंने जो कुछ किया है उसके लिए तो मेरे को तो मिलना ही चाहिए, है ना। जैसे कि हम कोई टेस्ट पेपर में, एग्जाम में, या किसी रेस में हम फर्स्ट आते हैं तो हमें कोई मेडल मिलना ही चाहिए, हम सोचते हैं कि यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए। मैंने कुछ सुझाव दिया, किसी को कोई फायदा हुआ, मुझे तो मिले, मुझे तो कुछ कहें वो। परमात्मा कहते हैं ये सारी चीजें भारी करती हैं शरीर को, और जब व्याधि आती है तो और भारीपन महसूस होता है। तो बाबा कहते हैं, दुनिया की व माया की, अर्थात ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ ना हो तब सहज उतरेगा। अगर दुनिया की आकर्षण है तो आत्मा को शरीर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। कई लोग कहते हैं मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी, शरीर छोड़ने वाले होते हैं, डेथ बेड पे होते हैं, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ज्वेलरी वहां थी मेरा, उनको और मुश्किल होता है शरीर छोड़ना, उनको बहुत कठिन होता है। आत्मा को शरीर से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आंखों से देखी हुई चीजें याद आती हैं, कानों से सुनी हुई चीजें याद आती हैं, मुख से किसी को अच्छा बुरा बोला बोला हो वो याद आता है। तो ये सारी चीजें दुख देना शुरू करती हैं, हमारी ही कर्मेंद्रियां हमें दुख देना शुरू करती हैं। सिर्फ बीमारी नहीं, सिर्फ वो दर्द नहीं, लेकिन आंखें आत्मा को निकलने नहीं देती हैं, कान आत्मा को निकलने नहीं देता, मुख आत्मा को निकलने नहीं देता, क्योंकि इससे कर्म बुरे किए हुए होते हैं हमने, तो ये शरीर खींचता है। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें, कि शरीर को छोड़े कैसे आराम से, आंखों से अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, हाथ पैर से कर्म करने, सेवाएं करनी, इसके द्वारा ही हम शरीर को आराम से छोड़ सकते हैं। ये कला हम ब्रह्मा कुमारी इसमें सीखते हैं। मैं तो अभी ABCD सीख रहा हूँ, आप भी आकर के मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं इस कला को, ताकि हम आराम से शरीर छोड़ने की कला सीखें, और जब कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उस समय हम बिल्कुल ही निडर होकर के, अचल अडोल होकर के जीवन में आगे बढ़ें। तो ये आज का ये ईश्वरी वरदान। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो या आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर मुझे पता हो तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं अपने सीनियर से पूछ करके उसके आंसर आपको दूंगा मैं। और बाकी आंसर्स तो आपको ब्रह्मा कुमारी में आकर के कंटिन्यूसली अगर आप आएँ तो आप सीख ही सकते हैं। तो आज का आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें। ओम शांति।